नमस्कार दर्शकों, आज हम एक पेशेंट और मिलेंगे, उनसे जानेंगे क्या क्या दिक्कत थी और अब कैसे कैसे उनको आराम हुआ है। क्या नाम है आपका? जी सर, धीरज कुमार पंडित। तो धीरज कुमार पंडित जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी सर, बेगूसराय बिहार। बेगूसराय जिला बिहार। जी सर। बेगूसराय में कहाँ रहते हैं? बेगूसराय में एक सूरजपुरा गांव है जी, बस वहीं का रहने वाला। तो जब आए थे धीरज कुमार पंडित जी, तो उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? उसमें सर वोमिटिंग हो रहा था, काफी वीकनेस थी, है ना, भूख नहीं लग रही थी सर, यही सब प्रॉब्लम था सर। क्रिएटिनिन भी काफी बढ़ा हुआ था उस समय? जी सर। कितना था उस समय? 21 था, 21.73। और डायलिसिस भी आप करा रहे थे उस समय? जी सर, डायलिसिस सप्ताह में दो बार। जी, सप्ताह में दो बार डायलिसिस करा रहे थे उस समय? जी। अच्छा, और अभी कितनी बार डायलिसिस हो रहे हैं? अभी 10 दिन में एक बार। यानी कि सप्ताह में 6 बार पहले हो रहे थे, महीना में 6 बार हो रहे थे जी, और अब जो है महीने में आप सिर्फ 3 बार करा रहे हैं। 3 बार जी, है ना, महीने में पहले 7 बार करा रहे थे आप। जी। और फिजिकली भी काफी दिक्कत आ रही थी आपको? हाँ, फिजिकली बहुत ज्यादा वीकनेस रहता था सर, लेकिन अब फिजिकल थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, भूख भी लग रही है सर। और धीरज, खुल के बताओ ताकि सब लोग आपके माध्यम से जान पाए कि किस प्रकार आप इस गंभीर बीमारी को मात दे रहे हो, ताकि आप और लोगों के लिए प्रेरणादायक बने। प्रेरणादायक स्तोत्र की जरूरत है यहाँ पे, तो वो आप बने, तो उसके लिए आप बताएं। अंग्रेजी में कोई इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं सर, बस यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, तो इसलिए हमें भी विश्वास है कि हम भी ठीक हो जाएंगे भाई। जब बेगूसराय में आपने आए थे, तो उस समय बेगूसराय में क्या बताया था डॉक्टर ने आपको? बेगूसराय में बोला डायलिसिस कराओ और ट्रांसप्लांट। अच्छा, एक बार दिखाएं पहले आपकी रिपोर्ट्स में कितना क्रिएटिनिन था। पहले कितना था क्रिएटिनिन? पहले 21 था सर, 21.8 क्रिएटिनिन था इसमें। दिखाओ सामने, 21.8 क्रिएटिनिन है इसके अंदर। 11 मई की रिपोर्ट है और डायलिसिस इस समय सप्ताह में दो बार हो रहे थे इनके, क्रिएटिनिन 21 के आसपास आ रहा था, सही फरमा रहे हैं? जी सर। दिक्कत भी काफी ज्यादा हो रही थी उस समय? हाँ, इम्प्रूवमेंट है सर। अभी का दिखाएं, डायलिसिस इनका हो गया सप्ताह में दो बार के बजाय 10 दिन में एक बार, और साथ साथ क्रिएटिनिन भी रिड्यूस हुआ है, 17 के आसपास आ गया है, और साथ साथ इनका डायलिसिस जो है वो भी रिड्यूस हो गया। ठीक है धीरज, खुल के बताओ एक बार कि पहले किस प्रकार से समस्या हुई थी और अब कैसे कैसे आपको आराम मिला है। पहले भूख तो बिल्कुल ही नहीं लगा, ओनली एक रोटी बस खा रहे थे सर, और काफी ज्यादा कमजोरी वीकनेस लग रहा था, उल्टी हो रहा था सर, लेकिन अब ये सारा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल फिट महसूस कर रहे हो? हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत है, लेकिन बहुत अच्छा रहा ज्यादा। जी सर। तो ये है धीरज कुमार जी, जो कि बेगूसराय बिहार के निवासी हैं। गांव का नाम क्या बताया? सूरजपुरा गांव। सूरजपुरा गांव, बेगूसराय बिहार निवासी धीरज कुमार। पहले इनको दिक्कत आ रही थी काफी ज्यादा, और अब उस प्रकार दिक्कत नहीं है, क्रिएटिनिन भी कम हुआ, डायलिसिस भी कम हुआ, और फिजिकली भी स्टेबल है पहले से। तो अगर धीरज कुमार जी लग के फॉलो करें और डायलिसिस को मात दे सकते हैं, तो अन्य पेशेंट भी दे सकते हैं। जरूरत है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करने की और हमारी संस्था से जुड़ने की। हमारी संस्था के डॉक्टर्स आपको पूरा डिटेल लेंगे, पूरा आपका पूछेंगे क्या था, क्या प्रॉब्लम्स की पूरी हिस्ट्री ली जाएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा आपको कैसे कैसे फॉलो करना है चीजों को। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है 77 तरुण एनक्लेव, गेट नंबर 2, परवाना रोड, पीतमपुरा, अपोजिट भगवान बुद्धा अपार्टमेंट, दिल्ली 110034। हमारा नंबर है 09871712050, 01124644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग इन भी कर सकते हैं।